वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं जम्मू के गोल मार्केट में लगे ट्रेड फेयर से। जी हां, ट्रेड फेयर में हम जाएंगे और लोगों से कॉमन सेंस के सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि कितने लोगों में, ट्रेड फेयर में आए जो लोग हैं उनमें कितनी कॉमन सेंस है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको देखकर आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी। तो देखिए आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों ये तो था आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करते हैं इस फैक्ट को देखकर आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। चलते हैं ट्रेड फेयर के अंदर और बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ कॉमन सेंस वाले सवाल उनसे पूछेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का आज का पहला सवाल है वो ये है कि 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे। तो चलते हैं अंदर और बात करते हैं कुछ लोगों से और देखते हैं कितने लोग हमारे सवालों के सही जवाब देते हैं और कॉमन सेंस लगाते हैं। इस वक्त हम ट्रेड फेयर में आए हैं, ट्रेड फेयर में लोगों की कॉमन सेंस चेक करने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। निशांत कुमार। सर बताइए, कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी, कॉमन सेंस है आप में। हाँ, कैसे पता चला आपको? कॉमन सेंस अपने आप पता चल जाएगा भाई, देख के यहाँ पे। यहाँ पे क्या देख के पता चलेगा कॉमन सेंस? मतलब कॉमन सेंस भाई पता चल जाता सामने का हमें, हाँ भाई इस चीज़ की क्या नॉलेज, हमें नॉलेज गेन कुछ किया। आपको नॉलेज है, कॉमन सेंस भी है। हाँ अच्छा बताइए, 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? इतना मुझे ना बताओगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत मशहूर हुई थी ये बात। कितने आदमी पैदा हुए थे 2011 में यूरोप में? पता नहीं। नाम बताया अपना। आयुषी। अच्छा, कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के टाइम में? बहुत कॉमन है। कॉमन सेंस वाला सवाल पूछे हम आपसे। हाँ श्योर। अच्छा बताइए, 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? ये क्या, कितने आदमी पैदा हुए थे? बहुत इम्पोर्टेंट एक सर्वे हुआ था वहाँ पे, जो पता चला था लोगों को कि कितने आदमी 2011 में यूरोप में पैदा हुए हैं। पता नहीं। नाम बताएं सर अपना। अर्जुन सिंह। कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के जमाने में? बहुत कम। बहुत कम है लोगों में, मतलब होती नहीं है आजकल। होती है बट यूज कम होता लोगों का। आप यूज करते हो? कभी कभी। कभी कभी कर लेते हो, चलो आज यूज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं एक कॉमन सेंस वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा बताइए, 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? कुछ आइडिया, मतलब पिछले दिनों बड़े चर्चों में था कि यूरोप में 2011 में सर्वे हुआ था कितने आदमी पैदा हुए हैं। कोई आइडिया? अरे कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के जमाने में, कितने परसेंट लोगों में होती है कॉमन सेंस? सर कॉमन सेंस तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 90-95% लोगों में तो होती ही होती है। होती है? बिल्कुल होती है। इस्तेमाल क्यों नहीं करते फिर लोग? नहीं करते, उनकी आदत होती है। करते हैं इस्तेमाल? बिल्कुल इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ तक होता है मैं तो करता हूँ। सर सर सवाल पूछने वाला हूँ कॉमन सेंस का एक, बताइए अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर आपको बता सकता हूँ। 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? सर ये तो मुझे पता नहीं। सर कॉमन सेंस है आपने? हाँ कम। सर 2011 में एक सर्वे आया था जिसमें बताया था कि यूरोप में इतने आदमी हैं, कितने आदमी पैदा हुए थे यूरोप में? हम तो 11 आदमी हैं, हम तो पढ़ते थोड़े ही हैं, इतना थोड़ा याद रहता है। 2011 में कितने आदमी यूरोप में पैदा हुए थे? नहीं नहीं कुछ आइडिया नहीं। नहीं तो बताइए, 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? क्या 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? समुद्र का इंडिया का पता है। इंडिया का क्या? इंडिया का सर कुछ ज़्यादा ही है, 1 करोड़ कुछ। वन करोड़ आदमी इंडिया में पैदा हुए थे, यूरोप में कितने हुए होंगे? यूरोप में सर ज़्यादा ही है पॉपुलेशन। फिर बताइए, 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? आदमी पैदा हुए थे 2011। काफी मशहूर किस्सा है, मतलब सर्वे वगैरह भी हुआ था इसका। आई डोंट नो यार, काफी मशहूर किस्सा है, सर्वे हुआ था, एक सेंसस आया था 2011 में कि यूरोप में इतने आदमी पैदा हुए। आई डोंट नो यार, नो आइडिया यार। कोई आइडिया? नो आइडिया। वैसे कुछ कहीं सुना था? कहीं सुना? नो नो, कहीं पे भी नहीं सुना। 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए हैं? 2011 में 1500। कैसे बता आपको 1500 ही हुए? चल यार बोलो ना, कुछ नहीं होता जवाब। मुझे आता नहीं यार, आसान सवाल है ये सवाल नहीं आते मुझे। अभी तो आप बोल रहे हैं 50% कॉमन सेंस है। चलिए चाय पीने में बिजी है।
थोड़ा सोचो ना, सोच के जवाब देना। कितने? औरतों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम आदमी पूछ रहे हैं। 2011 में कितने आदमी पैदा हुए थे? 2011 में पता नहीं, ऐसे गैस मार लो कितने हुए होंगे। 100 आदमी पैदा हुए। 100 बस, सिर्फ 100। अब मेरे को नहीं पता कितने हुए थे। इनको तो पता नहीं, किसी और के पास चलते हैं और देखते हैं उनको पता है कि 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे। थोड़ा दिमाग लगाओ ना सर, इसमें दिमाग लगाने की क्या बात है। 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे, इसको रिकॉर्ड करके रखने की हमारी जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड क्या करना है, इसमें सर्वे आया था एक बहुत बड़ा, इसमें बताया था कि 2011 में इतने आदमी पैदा हुए। हम औरतों की बात नहीं कर रहे, हमारे इंडिया में ही अगर मानिए, अगर आप मुझसे पूछते कि 2011 में कितने आदमी पैदा हुए थे तो मैं इसके बारे में भी नहीं बता सकता हूँ। यूरोप का आपको पता ही नहीं? फिर मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो तो मुझे पता नहीं है, तो यूरोप तो बहुत दूर हो गई सर। एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, ऐसे तुक्का मार के मतलब एस्टीमेट बता दो इतने हुए हो सकते हैं। तो सर थोड़ा कम ही है सर, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया से कम है इतना, कंफर्म है। इंडिया के अगर मतलब 1 करोड़ के ऊपर आप बोल रहे हैं तो वो 1 करोड़ से कम होंगे? हाँ सर, हाँ 1 करोड़ से कम आ रहे। इंडिया सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया, तो आप खुद ही सालों से यूरोप तो कम ही होगा। हो सकता है 1 लाख भी हो सकते हैं, और कितना? 1 लाख के अबव? जी पक्की बात, पक्की 1 लाख से। अब ये बोल रहे हैं 1 करोड़ के ऊपर है, आप बोल रहे 1 लाख से ऊपर है। अलग अलग सेंस है दोनों का, आप देखो, आप भी देख लो। आपके सेंस में 1 लाख से ऊपर आदमी पैदा हुए थे यूरोप में? हाँ बिल्कुल। 2-3 हजार? 2-3 हजार आदमी होंगे। पक्का? पक्का, मान रहे आपकी बात। औरतों की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आदमियों की बात कर रहा हूँ। कितने आदमी 2011 में यूरोप में पैदा हुए थे? वो तो पता नहीं भैया, फिर भी सोचो, थोड़ा सोचोगे तब जवाब दोगे ना। होंगे कोई 100,000 के करीब होंगे। 100,000 भी नहीं होते? 100 या फिर 1,000 के करीब होंगे। 100 भी हो सकता है? हाँ। मुझे इंडिया का नहीं पता यार होगा। आपको इंडिया में भी नहीं पता कितने आदमी पैदा हुए? आपको पता सर? नहीं सर। यूके में, उधर यूरोप में 2011 में कितने आदमी पैदा हुए? जितने इंडिया में हुए थे। जितने इंडिया में हुए थे? इंडिया में कितने हुए थे? जितने लंदन में पैदा हुए थे। ये सर आप गोल गोल घुमा रहे हो पर जवाब नहीं दे रहे, आपका सवाल भी ऐसे गोल गोल ही है। फिर बताओ ना क्या कितना हो गया सकता है, पिछले दिनों सर्वे आया था इसके ऊपर एक। पता नहीं, कोई आइडिया नहीं कोई। फिर बताइए 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? आदमी पैदा हुए थे वो यूरोप का सेंसस देख के पता लगेगा भाई। ये बताओ आपको 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? अब ये भी मुझे नहीं पता, ये पता क्या? ये कैसे बुक्स आप पढ़ रहे हैं, आपको पता क्या? नहीं, आई एम फ्रॉम द मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में कहीं पर ये नहीं बताया कि 2011 में कितने आदमी पैदा हुए थे यूके में? नहीं मुझे नहीं पता। सिर्फ आदमी, औरतों की बात कर रहे हैं? नहीं वो भी नहीं मुझे पता। नहीं सॉरी। नाम बताया सर अपना? वीर चौधरी। सर कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के जमाने में? कॉमन सेंस बहुत है। आप में कॉमन सेंस है? जी। किसने बता दिया आपको? हैं? किसने बताया आपको आज तक? ये अपना आप खुद पता देता है अंदर से आदमी को। अंदर से आवाज़ आती है क्योंकि मेरे अंदर कॉमन सेंस। जी आपकी आती है? जी। कब कब आती है? जब भी मैं सोचता हूँ जब भी आ जाती है। जब आप सोचते हो आवाज़ आ जाती है कि कॉमन सेंस है आपको। कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आपको। जी बताइए 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे? ये तो मैं बोली बता। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जगह जगह ये बात फैली थी कितने आदमी पैदा हुए थे। मेरे को पता नहीं, आप ही बताइए। वो आपसे पूछ रहा हूँ ना, कॉमन सेंस आपकी चेक कर रहे हैं हम। भैया क्या करवा रहे हो तू? करवा तो कुछ भी नहीं रहे, कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं आपकी। ओहो, ये मेरे को नहीं पता। सोच के बताओ थोड़ा, सोच के कितने आदमी? सोचता हूँ फिर मैं बताता हूँ। फिर नहीं ना, अभी सोच के बताओ। आप बताओ, मेरे को तो पता है, आपसे पूछ रहा हूँ। फिर मेरे को नहीं पता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को नॉलेज होगी ना, आपसे पूछूंगा तो। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। नहीं बताओ आप, मेरे को पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को जिस चीज़ का नहीं पता आप मेरे पूछ सकता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल पूछ सकते हो, पर हम आपको एंड में बताएंगे, आप अभी अपनी तरफ से बताइए ना आपको क्या लगता है कितने हुए होंगे पता। तो आप मेरे को बता दीजिए ना यार, आप मेरे से लड़ने शुरू हो गए। नहीं नहीं, आप लड़ गए भाई हो मेरे। हाँ जी, 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए हैं? आई डोंट नो, कुछ आइडिया नहीं है, मतलब पिछले दिनों आई थी रिपोर्ट,
मैंने नहीं देखी। 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए? आई थिंक 1200 पैदा हुए, उससे ऊपर नहीं हो सकता। काफी मशहूर एक किस्सा था, बताया था कि 2011 में इतने आदमी पैदा हुए हैं यूरोप में। इतना आदमी तो पैदा होते नहीं, बच्चे ही पैदा होते हैं वहाँ। कॉमन सेंस लगाया ना आपने। हाँ जी हाँ जी। दोस्तों कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि 2011 में यूरोप में कितने आदमी पैदा हुए थे, जिसका जवाब ये है कि यूरोप में चाहे हो चाहे इंडिया में हो, आदमी कभी भी पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा होते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ एक ही शख्स ने सही दिया और बाकी सारे लोगों ने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं की, हमारे सवाल को सुना नहीं, समझा नहीं, इसके लिए उनके जवाब जो थे वो गलत निकले। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ, जहां पर हम एक और आसान सा सवाल पूछेंगे लोगों से कि यूके यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है। देखते हैं, चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि कितने लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं और हमारे सवालों के सही जवाब देते हैं। नाम बताए सर अपना। सर मेरा नाम मुदस्सिर अहमद कटोच। कॉमन सेंस है आप पे? हाँ जी बिल्कुल। कैसे पता चला आपको कॉमन सेंस? क्योंकि ऑलरेडी हम कई लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो हर चीज़ में कॉमन सेंस है। लोगों से बातें करने में कॉमन सेंस होती है? हाँ जी, लोगों से मिलने में, लोगों से बातें करने में कॉमन सेंस ही है। बिल्कुल, आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछने वाले हैं। बताइए सर, यूके पता है आपको कहाँ पे, कौन सी कंट्री है यूके? यूनाइटेड किंगडम पता ना। हाँ, इस वक्त उसका प्रेसिडेंट कौन है? यूनाइटेड किंगडम का बराक ओबामा। की बात है सर। हाँ जी सर, यूके का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? यूके का प्रेसिडेंट ये दिमाग से जस्ट अभी निकल रहा है। कोई नहीं, दिमाग लगाइए ना, थोड़ा बता पाओगे? बाहर नहीं आ रहा है सर। निकालो, बाहर निकालो, अभी कॉमन सेंस फंसी हुई आपके। ओबामा। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है सर। मान जाए आपकी बात कि ओबामा यूके का प्रेसिडेंट है। जी सर, ये तो कह रहे हैं कि ओबामा यूके का प्रेसिडेंट है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर बताइए यूके का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? यूके का यूनाइटेड किंगडम। जी सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, काफी चर्चाओं में रहा है वो बंदा। क्या बोल रहे हैं? बड़ा यार है। सोचो सर, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑप्शन सोचो। ऑप्शन सर कौन बनेगा करोड़पति, थोड़ा ना खेलना। सोचिए सर। यार क्या बोल रहे हैं सर, यार मेरे को भूल गया नाम का। नाम भूल गया? आपको नाम याद है? कुछ आइडिया किसका? यूके का प्रेसिडेंट कौन है? पक्का? आपको भी नहीं पता सर? नहीं पता। कैमरे में बोल दो, मेरे को नहीं पता। पता है सर। बताइए यूके आपको पता है कौन सी कंट्री है? कौन सी? यूके यूनाइटेड किंगडम। उधर का प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? यूके का प्रेसिडेंट। उनसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं पता। थोड़ा दिमाग लो ना, पिछले दिनों प्रेसिडेंट बोल रहे थे, मतलब हर अखबार में प्रेसिडेंट का नाम आ रहा था। यूके का प्रेसिडेंट बराक ओबामा। की बात? मान जाए सर आपकी बात। आपके हिसाब से बराक ओबामा? आपके हिसाब से सर? सेम, बराक ओबामा। आप भी बोल रहे बराक ओबामा? चलिए तो बोल रहे बराक ओबामा यूके का प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं कुछ और लोगों से। बताइए यूके का प्रेसिडेंट कौन है? किसी का? यूके का। यूके पता क्या कंट्री है ना एक? यूके यूके कंट्री है ना एक? पता नहीं, आपको नहीं पता? कुछ आइडिया नहीं है? यूके कभी नाम भी नहीं सुना। इंग्लैंड का नाम सुना? हाँ, इंग्लैंड को यूके बोलते हैं। अच्छा, उसका प्रेसिडेंट कौन है, कुछ आइडिया? पता नहीं, थोड़ा बड़ा चर्चों में है वो बंदा, इसको भूल गया। ये आप बताओ ना पहले, उनको बाद में पूछेंगे। पता यार, थोड़ा सोचो ना। मैं चक्कर में हूँ। चक्कर में? कौन से चक्कर की बात कर रहे हैं सर आप? इतना मैम, एक सवाल हमारा ये है कि यूके का इस वक्त प्रेसिडेंट कौन? बराक ओबामा। अच्छी बात है। हाँ हाँ, कोई ओबामा के अलावा कोई और तो नहीं? नहीं 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 नहीं। मैं बोलूं ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट है, तो यूके का प्रेसिडेंट कौन? वही है, वही है। सेम ही है दोनों के? हाँ सेम। ये कौन सा है दो कंट्रीज के सेम प्रेसिडेंट? अरे नहीं, वो नहीं है, वो है सर। नहीं मुझे नहीं पता। बताओ
अच्छा बताइए यूके पता है आपको कौन सी कंट्री है? यूके उत्तराखंड कंट्री सर, कंट्री बोल रहा हूँ, यूके कौन सी कंट्री? नहीं सर ये नहीं। इंग्लैंड पता है? नहीं। इंग्लैंड भी नहीं पता कौन सी कंट्री? आपको मतलब कुछ पता है दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता है मुझे, मैं तो अपना बिजनेस से जानता हूँ। दुनिया की कोई कंट्री नहीं पता आपको? चलिए इनको जब कंट्री नहीं पता तो ये आपको पता है आंटी यूके कौन सी कंट्री? नहीं यार। आपको पता है? क्या रहा भैया मैं इंग्लैंड का नाम नहीं सुना कभी? अरे सुना तो इंग्लैंड सुने, अमेरिका सुना, सब कुछ सुना है। वही हम पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड का प्रेसिडेंट कौन है? भैया ना इंग्लैंड का बताइए ना सर। मैं अमेरिका का बता सकता हूँ सर। पिछले दिनों अभी बड़ा चर्चों में था प्रेसिडेंट इंग्लैंड का। प्रेसिडेंट चर्चों में था सर, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि सर मैं बिजनेस में ही अपने बिजी रहता हूँ। अगर मुझे इसका पता होता सर बिजनेस ही क्यों करता मैं। आपको नहीं पता कि कौन है? अमेरिका का बता सकता हूँ, वो है बराक ओबामा। यूके का नहीं पता आपको? नहीं सर यूके का नहीं। चलिए चलते हैं किसी और के पास, देखते हैं वो हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। सोचिए ना थोड़ा दिमाग लगाइए, यूके का प्रेसिडेंट कौन है? बड़ा मशहूर इंसान है वो। टोनी ब्लेयर। वो यूके का? पक्की बात है सर? टोनी ब्लेयर यूके का प्रेसिडेंट मान जाए आपकी बात? ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो। यूके का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? यूके का सर कौन है? इंडिया का पता है? इंडिया का तो सबको पता होगा सर, यूके का प्रेसिडेंट कौन है? थोड़ा दिमाग लगाओ ना सर। इधर न्यूज देखे सर, काफी मशहूर आदमी है वो, काफी चर्चाओं में रहा है। आपको पता है? नहीं। यूके का प्रेसिडेंट नहीं पता? नहीं नहीं पक्का नहीं पता। पक्का? यूके का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? यूके का प्रेसिडेंट ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? कहीं पढ़ा तो होगा ना, मतलब यूके का प्रेसिडेंट कौन है? ना कभी कहीं नहीं पढ़ा। कहीं पे बताया नहीं आपको? ना कहीं पे भी नहीं बताया। कॉमन सेंस नहीं आपने? नहीं मैं कोई कॉमन। क्यों नहीं है? होती तो सब में मतलब यूज करने की जरूरत होती है ना। आप यूज कर लीजिए थोड़ा, तो जवाब दे दीजिए हमारे सवालों में। आसान सा सवाल है कि 2000 मैम, बट डरने वाली कोई बात नहीं है, हम आसान सवाल पूछते हैं। वो बात नहीं है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। चलते हैं किसी के पास जो इंटरेस्टेड हो हमारी बातें सुनने के लिए। से पूछो यार। क्यों आपको सवाल नहीं पता? क्या क्यों नहीं पता? अभी आए तो दिमाग तो पहले का चलता ना आपका? हाँ दिमाग तो शुरू से चल रहा है। शुरू से चलता ना। किसी और के पास चलते हैं। सर आप बताएंगे? मुझे तो वैसे फुर्सत नहीं काम नहीं। यूके पता है आपको कौन सी कंट्री है? यूके इंग्लैंड। इंग्लैंड है। यूके का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? यूके का प्रेसिडेंट डेविड कैमरॉन। आपका वो प्रेसिडेंट है यूके का? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पक्का? हाँ। ये आप साबित कर रहे हो मतलब आप में कॉमन सेंस है? चलिए इनकी बात मान जाते हैं कि ये बोल रहे हैं इनमें कॉमन सेंस है, मुझे नहीं लग रहा है। बात करते हैं कुछ और लोगों। कॉमन सेंस है नहीं। कोई बात नहीं थोड़ा दिमाग लगाओ ना, होती तो सब में है। मैम आप डर क्यों रहे? यूके का इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? यूके का प्रेसिडेंट कोई आइडिया? नो थोड़ा सोचिए ना, काफी मशहूर इंसान है वो। कुछ आइडिया? नो दिमाग में भी नहीं आ रहा कुछ अभी इस टाइम। कुछ भी नहीं आ रहा इस टाइम, सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं इस टाइम, वही दिमाग में आ रही है। तो ये तो पता होगा ना कि यूके का प्रेसिडेंट कौन है? नहीं ये नहीं सॉरी। चलिए इनको तो पता नहीं है, किसी और के पास चलते हैं जो शॉपिंग के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करे। कोई और इसमें दो राय नहीं है, कोई और प्रेसिडेंट नहीं है? वही है हाँ जी। पक्का? जी सर। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई और प्रेसिडेंट है वहाँ का, अभी पिछले दिनों अखबारों में भी आ रहा था उसका प्रेसिडेंट कौन है, तो एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता नहीं, मैगजीन वगैरह पढ़ता हूँ, बाकी मैंने देखा नहीं। यूके का प्रेसिडेंट तो बराक ओबामा ही है। मान जाए आप? हाँ जी मान लीजिए जी। ये तो कह रहे हैं कि यूके का प्रेसिडेंट बराक ओबामा है। चलते हैं कुछ और लोगों के पास और देखते हैं वो क्या कहते हैं कि यूके का प्रेसिडेंट कौन है। अच्छा बताइए यूके का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? No, कोई आइडिया नहीं। यूके का प्रेसिडेंट काफी मशहूर इंसान है वो।
यूके का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? यूके का प्रेसिडेंट वहाँ क्यों होती है शायद? प्रेसिडेंट नहीं होता प्रेसिडेंट नहीं यार मेरे को यूके का प्रेसिडेंट नहीं यार वहाँ तो क्यों रूल है यार प्रेसिडेंट रूल नहीं है प्रेसिडेंट रूल थोड़ी है वहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता प्रेसिडेंट तो नहीं होता शायद मान जाए आपकी बात पूरी मान जाए भाई चलिए पहले इंसान हमें मिले हैं पूरे ट्रेड फेयर में जिन्होंने कॉमन सेंस लगाई और बताया कि यूके में प्रेसिडेंट होता ही नहीं दोस्तों कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि यूके यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट कौन है तो जो इसका जवाब है सवाल का वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं होता है तो इस सवाल का भी जो सही जवाब था वो सिर्फ हमें एक ही शख्स ने दिया क्योंकि ट्रेड फेयर में आए शख्स जितने भी थे उनमें कॉमन सेंस की कमी देखने को मिली और वो सवालों को हमारे सुन नहीं रहे थे समझ नहीं रहे थे चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ जहां पर हम एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे लोगों से टंग ट्विस्टर ये है कि फ्रेश फ्रेंच फ्राइड हम लोगों को बोलेंगे 5 बार बोलने के लिए चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कौन लोग हैं जो हमारा ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं दोस्तों कहते हैं बच्चे टंग ट्विस्टर काफी अच्छे से बोलते हैं देखते हैं हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं वो टंग ट्विस्टर हमारा बोल पाते हैं या नहीं अपना नाम बता दें आर्यन आपने टंग ट्विस्टर बोलना है आपने बोलना है फ्रेश फ्रेंच फ्राइड 5 बार तेज तेज फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्राइड 5 बार बोलना तेज तेज फ्रेंच फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्रेंच फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्राइड 5 बार बोलना फ्रेंच 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 फ्राइज फ्रेंच फ्राइज फ्रेश फ्रेंच फ्राइज फ्रेश फ्रेंच गलत हो गया मैं नहीं बोल पाऊंगा फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज बोलेंगे अंकल लग रहा हूँ आपको भैया बोला गया फ्रेश फ्रेंच फ्राइज 5 बार फ्रेंच 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 फ्रेश फ्रेंच फ्राइज फ्रेश नहीं बोल पा रहे कैमरे में बोल दो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ आप बोल पा रहे No. उधर देख के बोलो नहीं बोलो No. आप बोल पा रहे नहीं उधर देख के बोलो नहीं बोल एक टंग ट्विस्टर बोलेंगे आप फ्रेश फ्रेंच फ्राइड बोलना है 5 बार तेज फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड 5 बार तेज फ्राइड फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच भी फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड 5 बार बोलना है फ्रेंच 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 फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्रेश फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड बस थैंक यू कैमरे में बोल दे नहीं बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे चलिए एक टंग ट्विस्टर बोल दीजिए फ्रेश फ्रेंच फ्राइड बोलना 5 बार तेज से फ्रेश नहीं बोलना खाली फ्रेश फ्रेंच फ्राइड बोलना 5 बार फ्रेंच फ्राइड फ्रेश 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 फ्रेंच फ्राइड बोल दिया फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड 5 बार बोलना देख से फ्रेंच फ्रेश फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड 5 बार फ्रेंच फ्रेश फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड आप फ्रेंच फ्रेश बोल रहे हो हम फ्रेश फ्रेंच बोल रहे हैं फ्रेश फ्रेंच फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्रेंच फ्रेंच फ्राइड गलत हो गया ठीक है भैया गलत है फ्रेश फ्रेंच फ्राइड फ्राइड वो तो गया था 5 बार 4 बार हुआ था आपने गलत किया फ्रेश फ्रेंच फ्राइड 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 बोल लिया आपने एट लास्ट फ्रेश बोल दिया ना हाँ ये तो बोल बैठे हैं हमारा टंग ट्विस्टर बात करते हैं कुछ और लोगों से एक टंग ट्विस्टर हम आपसे पूछने वाले हैं हाँ जी पूछो अच्छा आप 5 बार बोलना है आपने फ्रेश फ्रेंच फ्राइड वो भी तेज फ्रेश फ्रेंच फ्राइड 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 बोल दिया आपने हाँ बोल दिया दोस्तों हम लोगों से टंग ट्विस्टर इसलिए पूछ रहे हैं ताकि उनकी फंबलिंग की प्रॉब्लम दूर हो सके आज का ये प्रोग्राम हम लाए थे आपके साथ ट्रेड फेयर से जहां पर हमने लोगों से आसान से कॉमन सेंस के सवाल पूछे उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा एंटरटेनमेंट आपका जरूर हुआ होगा आज के कार्यक्रम से और कॉमन सेंस आपने शायद यूज करनी शुरू कर दी हो
ये प्रोग्राम आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, क्वेश्चंस बताना चाहते हैं या लोकेशंस बताना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं हम ये प्रोग्राम करें, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन बंटी डिगरा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।